गंभीर जी से मिलने आई थी या बीजेपी फॉलोअर हैं? हम गंभीर जी से भी मिलने आए थे, बीजेपी से फॉलोअर हैं। बीजेपी फॉलोअर हैं तो कि गंभीर जी जीत रहे हैं यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, दोहरा ही नहीं, नहीं है। लेकिन रिपोर्ट तो बता रही बीजेपी के इंटरनल की थोड़ा झटका लग सकता है। नहीं झटका, कोई झटका नहीं है, ये सिर्फ हवा है, हवा का झोंका है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल जीतेंगे। महेश गिरी जी कह रहे हैं कि वो महेश गिरी जी को टिकट नहीं दिया, इनको दे दिया, इसलिए गड़बड़ मामला बीजेपी के लोग ही उनके खिलाफ। कोई वो नहीं है, ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये झूठी अफवाहें हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई को बहुत खुशी से, आप खुश है कि आपके पुराने सांसद की जगह इनको दे दिया? हाँ बहुत खुश है जी। आप बताइए मैडम, आपका वोट होता होगा, आप वोट कास्ट करती होंगी, वोट कास्ट किसको करेंगी इस बार? ऑब्वियसली बीजेपी को, मोदी जी को। अच्छा मोदी जी थोड़ी लड़ रहे हैं यहाँ से? मोदी जी तो आएंगे ही, अगर बीजेपी जीतेगी तो मोदी जी आएंगे। नहीं नहीं, तो यहाँ से तो गंभीर लड़ रहे हैं, तो गंभीर जी को भी वोट देंगे। फॉर अ यूथ है वो, एक यंग जनरेशन के लिए अगर वो आ रहे हैं चेंज के लिए, तो ऑब्वियसली हम उनको। मोदी जी को क्यों, मोदी जी ने ऐसा क्या किया? मोदी जी ने इतना कुछ किया, आप तो न्यूज रिपोर्टर हो, आप मेरे से, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए हम विपक्ष तो कहता है कुछ नहीं किया जी, मोदी जी ने झूठ बोला। विपक्ष का तो काम है बोलना। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? राहुल गांधी कोई राय नहीं है उनके आगे, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नथिंग। नहीं नहीं, तो वो तो कह रहे कि सत्ता में हम आएंगे 72,000 देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे, कुछ नहीं देंगे वो, वो सिर्फ बोलते रहेंगे और बोलते रहेंगे। दिया क्या है, लूटा ही है। और आपके केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो तो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे राहुल गांधी थी लौटने में, सेकंड नंबर पे वो है जी। बताएं आप केजरीवाल जी के, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया और ना मैं केजरीवाल के बारे में कुछ बोलने में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं तो वो तो आम आदमी के नेता है, गरीबों के नेता है कहते हैं अपने वो, गरीबों के पता नहीं कौन से गरीबों के नेता है, उन्हीं की पार्टी के नेता है वो, बस उन्हीं की। जी मैडम कुछ कहना चाह रही हैं आप जी, बताएं। मैं तो संघ की सदस्य हूँ, मैं आरएसएस स्कूल प्रोडक्ट हूँ, मेरी तो जन्मजात एक ही पार्टी है भाजपा जी। और इस समय मोदी सरकार नंबर वन सरकार, बिकॉज महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे लेके आने वाली सरकार मोदी सरकार। तो संघ पर तो कि आरोप लगते हैं कि ये मतलब मुसलमानों के खिलाफ है संघ, ये इस तरह का भ्रम है। भारत देश राष्ट्रीय एकता का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ मिलके रहते हैं। मैं तो आप ही से ऐसा सुन रही हूँ, मैं तो संघ में जन्म लिए, संघ में बड़े आरोप तो आप पे भी लग जाएंगे, क्या कर सकते हैं, किसी के मुंह को नहीं रोक सकते, सिर्फ अपने कर्म को कर सकते हैं।